ये लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही है। अभी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है लोकसभा तैयारियों को लेके, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी की जितनी भी डिलीवरी सिस्टम है पार्टी के विचार का और उसके कैंपेनिंग का, उसकी तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ संभागीय स्तर पर इसी तरह के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं संभागीय स्तर पर। इसके बाद में हमने अभी लगातार विधान लोकसभावार हमारे सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब जगह चले गए हैं, हमारी पीईसी इलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर भी उनके साथ जा रहे हैं। हर लोकसभा के विधानसभाओं में मीटिंगें हो रही है और किस व्यक्ति सबसे अच्छा चयन की प्रक्रिया और चुनाव लड़ने की प्रोसेस की तैयारियों को लेकर लोकसभावार काम चल रहा है, उसके हमने अलग अलग समय पर आप सबको अवगत कराया था। जो महत्वपूर्ण बात है, 4, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 6 दिन तक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो मेंबर और सदस्य वो भोपाल आएंगे 3 तारीख को। उसी दिन इलेक्शन कमेटी और पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे संबंधित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और चुनाव की पद्धति और चुनाव के प्रत्याशियों के निर्णय पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद लोकसभा समन्वय समितियों की मीटिंग होगी, पहले दिन ग्वालियर में होगी, दूसरे दिन उज्जैन में होगी, तीसरे दिन भोपाल में होगी और लगभग इससे 20 लोकसभाएं की समन्वय समिति की मीटिंग अलग अलग दो दो तीन तीन घंटे एक एक घंटे पूरे 8, 5, 7 दिन तक हमारे प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मैं खुद हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम करेंगे। तो कुल मिला के पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और एक मार्च के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चंबल की माटी से होते हुए ग्वालियर, ग्वालियर से होते हुए शिवपुरी से होते हुए हमारे गुना और राजगढ़ और आगरा, आगर और आगर मालवा से होते हुए उज्जैन से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी, उसकी सब तैयारियां हो रही है। लगातार हर स्केल पे कांग्रेस आने वाले समय में संगठन की स्ट्रेंथिंग कैसे हो, इसकी हमारी कार्यकारिणी कैसे बने, सब पर काम चल रहा है। सर, बड़े नेता भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसके लिए हमने सब जगह प्रभारी नियुक्त किए हैं जो वहां के लोकल नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे बात करके जो उचित होगा उस भाव से, उस विचार से स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारी इलेक्शन कमेटी को अवगत कराएंगे, फिर पार्टी निर्णय।